नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मेरा नाम शिराज अली है और मैं कार एक्सपर्ट हूँ बैंगलोर से। ये आम प्रेस के व्यूअर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, छोटा सा एक मैसेज है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने परिवार के साथ सेफ है, घर पे सेफ बैठे हैं। अभी जो माहौल है अपनी इंडिया में जो चल रहा है, पूरी दुनिया में जो चल रहा है, एक माहौल है कि सब लोग अभी लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है और अपने अपने घर पे बैठे हैं हम लोग। तो अब हम लोग तो घर पे बैठे ही हैं और हमारे साथ हम भूल रहे हैं कि हमारी गाड़ियां भी घर पे ही है, कहीं भी नहीं गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि घर पे ही है। नाउ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के दौरान क्या होता है कि अपनी गाड़ियां भी क्वारंटाइन होती है। तो इस लॉकडाउन के दौरान हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करनी है। अगर हमको हमारी गाड़ी की सेहत की बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सो एक छोटे से चार पांच पॉइंट मैं बोलता हूँ कि आपकी गाड़ी का ये लॉकडाउन के टाइम पे गाड़ियों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। पहला पॉइंट, बैटरी का इशू आता है। ओके, ना बैटरी आपकी कब डेड होती है? शायद गाड़ी पेट्रोल की हो या डीजल की हो, अगर गाड़ी आप 3 दिन के बाद स्टार्ट नहीं करोगे, 3 दिन से ज्यादा स्टार्ट नहीं करोगे, तो डाउन होने का बहुत चांसेस है। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोना से इज कि यू नो, आपको हर गाड़ी हर 3 दिन में एक बार आपको स्टार्ट जरूर करनी पड़ेगी। और अगर आप जब भी स्टार्ट करते हो गाड़ी को, ओके, गाड़ी के साथ जब स्टार्ट करते हो, तो हमेशा मेक श्योर कि आप गाड़ी का एसी भी आप ऑन कर रहे हो, क्योंकि एसी को ऑन करना बहुत जरूरी होता है। मेक श्योर द एसी ऑन द कूलिंग मोड एंड द इनसाइड एयर इज कमिंग सर्कुलेटिंग, नॉट द आउटसाइड एयर शुड नॉट सर्कुलेट। तो इनसाइड एयर गाड़ी के साथ अगर एसी भी ऑन होता है तो क्या होता है कि गाड़ी के एसी का फिल्टर, रेडिएटर, फैन, कूलर सब चल रहा है, सब चालू है, तो मतलब सब ठीक ठाक ही रहेगा। तो याद रखिए, हर 3 दिन में एक बार आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है और उसके साथ आपको एसी भी ऑन करके रखना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ दूसरा पॉइंट क्या होता है कि बहुत से लोग गाड़ियों को पार्क मोड में रखते हैं और पार्क करने के साथ साथ अपने हैंड ब्रेक को भी ऑन में रख देते हैं। हैंड ब्रेक को अगर आप ज्यादा देर तक ऑन में रखते हैं, इंगेज रहता है, मतलब समझो कि पूरी रात इंगेज रहता है या 2-3 दिन इंगेज रहता है, तो हैंड ब्रेक से आपका ब्रेक लाइनिंग और ब्रेक फेलियर भी हो सकता है। इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन आप जब गाड़ी स्टार्ट करोगे, आप रास्ते में चलाओगे, तो शायद ब्रेक फेलियर भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप हैंड ब्रेक को इंगेज ना करें, बस आपको गियर के सेकेंड गियर के मोड में डाल दीजिए और हैंड ब्रेक को रिलीज करके नीचे छोड़ दीजिए। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, हैंड ब्रेक को कभी इंगेज करके ज्यादा देर तक मत रखना। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। अभी मेरा तीसरा पॉइंट है कि जब भी आप अपनी गाड़ियां बाहर खड़ाओगे, तो जब बहुत धूप आती है, आपका पूरा विंडो सब पूरा ऊपर चढ़ा होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब अंदर की गर्म हवा होती है तो अंदर ही रहती है, सर्कुलेट होती है, तो वैक्यूम हो जाता है। इस वैक्यूम के वास्ते आपका विंडो स्क्रीन, विंडशील्ड सब क्रैक हो सकता है। तो आपको ऐसा करना है कि एटलीस्ट दिन में थोड़ा सा, दिन के टाइम पे थोड़ा सा विंडो का गैप ओपन रखना है आपको, ताकि ये अंदर की हवा, हीट हवा, गर्म हवा बाहर सर्कुलेट हो जाए। एंड द अदर पार्ट, द फोर्थ पॉइंट दैट आई एम गोना एक्सप्लेन, जो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप गाड़ी खड़ाते हो तो प्लीज एक कार का कवर यूज कीजिए कि कार ज्यादा गंदी ना हो, क्योंकि वॉश भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए धूप भी पड़ेगा तो फेड हो सकता है कलर एंड स्क्रैचेज आ सकते हैं, तो मेक श्योर यूज द कार कवर एज वेल। मेरा फिफ्थ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि जब आपकी गाड़ी ये ज्यादा दिन तक एक ही जगह पे खड़ी है, तो आपके टायर्स के लिए सही नहीं है। आपको गाड़ी के टायर्स क्या होता है, जब रहते हैं तो वो उस पे फ्लैट स्पॉट आते हैं। अगर एक जगह पे 4-5 दिन, एक हफ्ता खड़ी रहती है एक ही जगह पे, तो फ्लैट स्पॉट और क्रैक्स भी आ सकते हैं, तो वो टायर्स के लिए अच्छा नहीं है। तो आइडिया ये है कि आपको गाड़ी हर एक सेकेंड में आपको थोड़ा ऊपर नीचे अप एंड डाउन करके मूव करके पोजीशन चेंज करते रहिए, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये 5 चीजें आप कीजिए, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी से रहेगी, आप क्वारंटाइन में भी आप भी सेफ रहेंगे, आपकी गाड़ियां भी सेफ रहेगी। ओके, इमरजेंसी में शायद आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए, तो बैटरी भी होना चाहिए। तो इसलिए अच्छा है कि आप 5 पॉइंट का प्लीज नोट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लेना। अगर आपको और कोई डाउट्स है तो मेरा लिंक, रॉबिनहुड सर ने आपको मेरा लिंक शेयर किया है। शिराज कार्स लाइव बैंगलोर से हूँ, तो एक कार एक्सपर्ट हूँ। आपको कोई भी राय चाहिए, एडवाइस है ऑन कार्स, हाउ टू मेंटेन, तो ये बंदा हाजिर है आपके लिए। थैंक यू फॉर आम प्रेस, थैंक यू फॉर रॉबिनहुड जी, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ये वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, स्टे सेफ, स्टे होम।